श्री वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व पर यह भाषण समर्पित है। श्री गुरु तेग बहादुर जी सिखों के 9वें गुरु थे। उनका केवल सिख इतिहास ही नहीं अपितु पूरे भारत में एक उच्च स्थान प्राप्त है। उनके गुरुकाल का महत्व इस बात का था कि उन्होंने सिखों के इतिहास की केंद्रीय धारा को पुनः शक्तिशाली बनाया था। वह अपने पिता और पुत्र के मध्य में एक नैतिक और ऐतिहासिक कड़ी का कार्य करते थे। उनका जन्म 1 अप्रैल 1621 ईस्वी को जिला अमृतसर में हुआ था। उनके पिताजी का नाम हरगोबिंद सिंह जी, जो सिखों के 6ठे सिख गुरु थे, और उनकी माताजी का नाम बीबी नानकी जी था। उनका बचपन का नाम त्यागमल था, जिसे बाद में उनके पिताजी ने बदल कर तेग बहादुर कर दिया, क्योंकि महज 13 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने करतारपुर में मुगलों द्वारा हुई जंग में अपनी तलवार से ऐसा जोहर दिखाया था कि मुगलों को अपनी नानी याद आ गई थी। 1658 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब हिंदुओं पर कई तरह के अत्याचार जुल्म कर रहा था। उसने हिंदुओं के नए मंदिर बनाने पर पाबंदी लगा दी और पहले से बने पुराने मंदिरों को तोड़वाना आरंभ करवा दिया। यह सब होने के तंग यहाँ तक कि हिंदुओं को पूजा करने के लिए भी चुंगी कर देना पड़ता था। इससे तंग आने के बाद कश्मीरी पंडितों का कुछ प्रतिनिधि श्री गुरु तेग बहादुर जी के दरबार में पहुंचा और उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई। यह सब सुनकर तेग बहादुर जी बोले कि समय किसी महान इंसान की कुर्बानी मांग रहा है। तब उनके छोटे बेटे गुरु गोविंद सिंह जी महज 8 वर्ष के थे और वह उठ खड़ बोले कि हे पिताजी, आपसे महान इंसान कोई नहीं हो सकता जो इस कुर्बानी को दे सके। अपने बेटे के मुख से यह शब्द सुनकर गुरु तेग बहादुर जी बोले कि जाओ जाकर औरंगजेब से कह दो कि तुम्हारा धार्मिक अगुआ तेग बहादुर जी है। या इसके 8 जुलाई 1675 ईस्वी को श्री गुरु तेग बहादुर जी अपनी राजगद्दी पर गुरु गोविंद सिंह जी को बिठाकर दिल्ली अपने 5 साथियों संग रवाना हो गए। जब औरंगजेब को पता चला कि वह दिल्ली आ रहे हैं तो उसने उन्हें आगरा में ही गिरफ्तार करवा लिया और हुक्म दे दिया गया कि इनसे इस्लाम कबूल कराओ अथवा इन्हें कड़ी यातनाएं देकर मार डालो। हुक्म के चलते गुरु तेग बहादुर जी के 3 चेलों की हत्या करवा दी गई और गुरु जी को कई कड़ी यातनाएं दी गई, परंतु गुरु जी अटल रहे। उन्हें कई प्रकार के लालच दिए गए जिन्हें उन्होंने अस्वीकार कर दिया गया। इसके पश्चात मौलवियों को हुक्म दिया गया कि दिल्ली के चांदनी चौक पर श्री गुरु तेग बहादुर जी का कत्ल कर दिया जाए। इसके बाद पूरे दिल्ली शहर में मुनादी करवा दी गई कि दिल्ली के चांदनी चौक में एक कत्ल होगा। इसको कत्ल को देखने के लिए लाखों की तादाद में लोग जुट गए। जल्लाद जलालुद्दीन को हुक्म दिया गया कि गुरु जी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाए। अंत में श्री गुरु तेग बहादुर जी को शहीदी प्राप्त होने के बाद भीड़ में मौजूद उनके 2 चेले लखीम शाह जी ने उनके धड़ को किसी तरह वहां से निकाला और उनके धड़ को और अपने घर ले गए और अपने घर को जाकर आग लगा दी कि ताकि किसी को पता ना चले कि यहां किसी का धड़ संस्कार हुआ था। आज भी जहां उनके धड़ को अंतिम संस्कार किया गया, आज भी वहाँ गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब मौजूद है। और उनके 5वें चेले चेता सिंह ने उनके धड़ को ले जाकर अनंतपुर में श्री गुरु गोविंद सिंह जी को दे दिया। यह सब होने के पश्चात वहाँ पर आज भी गुरुद्वारा श्री शीशगंज साहब मौजूद है। और श्री गुरु तेग बहादुर जी ने धर्म के खातिर अपना बलिदान दे दिया। और सही अर्थों में हम श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान को तभी याद रख पाएंगे जब हम उनकी शिक्षाओं पर और सही रास्ते पर चल सकेंगे। धन्यवाद सहित श्री वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।